In the previous video, we talk about what are the environment variables, how we can find in Synapse using this Spark Utilities package. So if you have not watched that video, you can watch the video first and then come to this video. MS Spark Utilities we were covering upon, वही चीज बात करेंगे. आज के वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट बता दूंगा किस तरह से मैं नोटबुक नेम, पाइपलाइन जॉब आईडी और एक्टिविटी रन आईडी को दिखा सकता हूँ. मैनेज में जाएंगे. ओके, आई डोंट हैव एनी अपाचे स्पार्क पूल एज वेल, तो मुझे ये भी कनेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो इसको क्रिएट कर देते हैं, न्यू अपाचे स्पार्क पूल क्रिएट करते हैं. ये हमारा MB मीड नाम का कुछ ऐसे डाल देता हूँ मैं. मेमोरी ऑप्टिमाइज 8 कोर मीडियम रखूंगा मैं, ठीक है ना. 8 कोर मीडियम भी करते थे मेरे ख्याल से, और इसको मैं 3 कर दूंगा. आई थिंक स्मॉल में करता था मैं, ठीक है. रिव्यू एंड में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है. वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा. ये अपाचे स्पार्क पूल क्रिएट करना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया किस लिए जरूरी है. नोटबुक रन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे अपाचे स्पार्क पूल चाहिए रन करने के लिए. दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग दिस, आई एम क्रिएटिंग दिस अपाचे स्पार्क पूल. सिक्वल पूल हमारा वैसे भी सिक्वल क्वेरीज के रन करने के लिए काम आता है, तो एक बिल्ट इन ऑलरेडी मिलता है. डेडिकेटेड वाला आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है. ये डिप्लॉय हो रहा है, आई थिंक डिप्लॉय हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है. डिप्लॉय हो गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा टाइप में. डेटा टाइप में क्यों जाएंगे, डेवलप टाइप में जाना है ना मुझे. प्लस पे क्रिएट करता हूँ, नोटबुक में क्रिएट करता हूँ, देख लेते हैं. 25 है ना, 125 यहाँ पे जाऊँगा. और अपाचे स्पार्क पूल नहीं क्रिएट हुआ अभी तक. ओके, आई थिंक इट्स डिप्लॉइंग टिल नाउ, ठीक है. जब तक वो डिप्लॉय हो रहा है तब तक क्या कर सकते हैं, अपना कोड लिख देते हैं. नोटबुक नेम क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ. नोटबुक नेम मतलब द नेम ऑफ द करेंट नोटबुक जो अभी विच विल ऑलवेज रिटर्न वैल्यू फॉर बोथ इंटरेक्टिव मोड एंड पाइपलाइन मोड. मतलब क्या है, मतलब ये कि नोटबुक का नेम दिखाएगा, जिस नोटबुक में हम यूज कर रहे हैं उसका नाम दिखा देगा, वो अपना पाइपलाइन में भी दिखाएगा और जब आप नॉर्मली रन कर रहे हैं तब भी दिखाएगा. दूसरा पाइपलाइन जॉब आईडी, ये क्या पाइपलाइन की एक जॉब आईडी होती है, वो नाम समझ के समझ रहे होंगे, नाम सुन के जो है ना पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन में ही दिखाएगा आपका. जब आप नोटबुक से लिख रहे हैं तो आपको नहीं शो करेगा, ठीक है. एक्टिविटी रन आईडी, एक एक्टिविटी रन आईडी भी होती है, डाटा फैक्ट्री में कवर किया था हम लोगों ने किस तरह से क्या होती है. नोटबुक एक्टिविटी रन आईडी होती है, जो नोटबुक जो रन हो रही है उसकी एक एक्टिविटी रन आईडी होगी. ये सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन मोड में जब हम लोग रन कर रहे हैं तभी वो रन होगा, तो दिखाएगा ना तो भी नहीं दिखाएगा. अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ, एम बी मीट को अटैच कर देता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ. स्टार्टेड, स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ. कनेक्टिंग दिखा रहा है फ्रॉम. अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर किया सब कुछ. यार मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे भी रटा हुआ, मेरे लिए करते करते रट जाता है. MS फॉर्म नोटबुक्स इम्पोर्ट MS Spark Utilities, ये रन करना पड़ेगा. थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाता हूँ, इम्पोर्ट MS Spark Utilities किया, ये MS Spark Utilities डॉट करूंगा, डॉट रन टाइम डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, तब तो वो कनेक्टिंग ये इस्तेमाल करोगे. फॉर्म नोटबुक यूटिलिटीज इम्पोर्ट MS Spark Utilities, MS Spark Utilities डॉट रन टाइम डॉट कॉन्टेक्स्ट डालेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक्टिविटी रन आई डी, पाइपलाइन रन आई डी और एक नोटबुक का नाम, नोटबुक का नाम. अब होगा क्या, हमने यहाँ पे मैं मैनुअली रन कर रहा हूँ नोटबुक को, मैं पाइपलाइन की हेल्प से रन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या, मुझे सिर्फ एक नोटबुक नेम मिलेगा, बाकी चीज नहीं. ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यार, आई थिंक मुझे स्मॉल पे बनाना था, ठीक है. इसको चेंज कर देते हैं, मैंने में जाता हूँ. कुछ मेरे में कुछ इशू है, आपके में नहीं होगा, मेरे में इशू है ना, ठीक है. और स्केल सेटिंग में जाऊँगा, मुझे याद था मैं स्मॉल से करता था. आई थिंक वर्क स्पेस का इशू है, दैट्स अदर थिंग. मैं यहाँ पे इसको अप्लाई स्केल सेटिंग्स कर दिया और ये पब्लिश, ये नोटबुक का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डिग्रेड कर दिया क्योंकि मैं 32 वाले में करूँगा. और इसको यहाँ पे इस तरह से सब कर देते हैं, इस तरह से बस छोटा चीज है मुझे दिखाना है आप. ये कुछ लिमिट डली हुई है मेरे, अगर मैं इसको फिर से अटैच करूँ और अब मैं रन करूँ, कंट्रोल एंटर दबाना हूँ रन करने के लिए. देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया है, यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है. पहले थोड़ा कम दिखाता था, अब बहुत कुछ दिखा रहा है. करंट नोटबुक नेम दिखा रहा है, नॉन स्पार्क पूल CP स्पार्क 1. यहाँ पे अभी CP स्पार्क 1 हमारा स्पार्क पूल का नाम है. पेरेंट रन आईडी दिखा रहा है, नन दिखा रहा है. वर्क स्पेस नेम दिखा रहा है, CP पंचम मेरे ख्याल से ये. नोटबुक नेम भी दिखा रहा है, नोटबुक 1. वर्क स्पेस नेम जो कौन सा वर्क स्पेस का हमारा है वो भी दिखाता है. जॉब आईडी जियो दिखा रहा है, एक्टिव रन आईडी नन दिखा रहा है, करंट रन आईडी भी नन दिखा रहा है, पाइपलाइन जॉब आईडी भी नहीं दिखा रहा है, और इस फॉर पाइपलाइन फॉल्स रूट नन आईडी नन, ये सारी चीजें दिखा रहा है अभी. पहले सिर्फ 3 चीजें दिखाते थे,
एज पर जो पहले चीज थी, अभी मैंने फिर से रन किया, अभी बहुत चेंज हो गए होंगे धीरे धीरे। और भी जब आप कुछ ट्राई कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके टाइम पे और ज्यादा दिखाए। ये पाइपलाइन रन आईडी और ये सब रन दिखा रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइपलाइन में रन करना पड़ेगा। तो पाइपलाइन में रन कर देते हैं, फिर दिखा दूँ आपको, करके दिखा देता हूँ इसको। इसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा इसको, क्योंकि पाइपलाइन में डालना है तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको। नोटबुक वन को पब्लिश हो रहा है, यहाँ पे ऐड टू पाइपलाइन होगा, यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, ऐड टू पाइपलाइन करूँ, न्यू पाइपलाइन में करता हूँ, नोटबुक आ जाएगा, डीबग मोड में डालूंगा मैं। बाय द वे डीबग करने में भी टाइम लेता है, और वो जब आप रन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैंने यहाँ पे क्लस्टर स्पार्क पूल जो है वो सारे कम परफॉर्मेंस वाले डाले हैं, स्मॉल वाले, मीडियम वाला डालता होगा या फिर कुछ और ही डालते होंगे, तो उस केस में ज़्यादा होता हमारा, कम टाइम लगता, ज़्यादा फास्ट होता, टाइम लेगा। ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, टाइम लेगा। और जब आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या होगा ना, ये इनपुट है, आउटपुट में मेरा इस बार मेरा यहाँ पे आपका यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे नोटबुक अपने जॉब आईडी भी दिखाएगी और ये एक्टिवेटर आईडी भी दिखा देगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज्योर कीवर्ड के बारे में, तो एंड स्क्रीन में आपको राइट साइड में एज्योर कीवर्ड वाला वीडियो बन के आ रहा है, ताकि उस वीडियो को चेकआउट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जितने भी आपके सिक्योर डेटा, जो भी सेंसिटिव डेटा है, वो आप कहाँ पे सेव करेंगे, कीवर्ड में ही सेव करना पड़ेगा। जितना भी पासवर्ड हो गया, कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कीवर्ड में सेव करना चाहिए। तो उसका वीडियो एंड स्क्रीन में मिलेगा, राइट साइड में वाले में जाके चेकआउट कर लो।